यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं बहुत ही धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, आज के गेम प्ले में हम लोग रेस करवाने वाले हैं वाइस टाउन के दोनों खतरी रोबोट्स, बड़े और छोटे की। जी हाँ दोस्तों, बड़े का मतलब तो है फाइटर जेट रोबोट और वर्सेस छोटे का मतलब है हमारा बाइक रोबोट। दोस्तों, फाइटर जेट रोबोट वाइस टाउन का सबसे बड़ा रोबोट है, और जो बाइक रोबोट है वो तो यार ऑब्वियसली सभी जानते हैं हम लोग कि वो सबसे छोटा रोबोट है। तो आज की रेस होने वाली है बड़े वर्सेस छोटे। लेकिन इस रेस को स्टार्ट करने से पहले हमें छोटा छपरी के कुछ मिशन करने होंगे। तो भाई, हम आए हुए हैं छोटा छपरी के एड्रेस पे, और उसने हमें एक मिशन भी दे दिया है, खुद के जैसा ही छपरी मिशन दिया है भाई। गाड़ियां चोरी करनी है, लोगों से चोरी भी नहीं करनी भाई, छीननी है गाड़ी। मतलब ये देखो, अभी इस टैक्सी को छीन के हमें उस छोटा छपरी के पास लेके जाना है और उसे ये देनी है भाई। ये मिशन ना सबसे ज्यादा छपरी टाइप का, इसी वजह से मैंने आज तक इसे कभी नहीं किया, आज भाई पहली बार कर रहा हूं। और पता नहीं यार, ये जो वो हमें टाइम लिमिट देता है उसके अंदर मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। और भाई गाड़ी को ना बिल्कुल, ओ भाई यार, मतलब 75% तक सेफ रहनी चाहिए गाड़ी, ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटा छपरी को ना एकदम ऐसा नई की नई गाड़ी चाहिए यार। तो बस पता नहीं, मैं तो कभी 75% 50% देखता भी नहीं हूँ। गाड़ी हाथ आ गई, बस ये देखो इसी तरीके से उड़ाता हुआ आ जाता हूँ। अब पता नहीं भाई ये ज़्यादा डैमेज हुई है नहीं हुई है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। नहीं हुई वैसे तो हम इसमें देख सकते हैं, फिगर में तो दिखा नहीं रहा, लेकिन भाई यहाँ पे मिलेगा वो छोटा छपरी। ये देखो ये खड़ा, भाई तू गाड़ियों की चोरी करवाई हो। तो दोस्तों, ये पहला मिशन तो हमने इसका कर दिया है, इसके बाद हम टिप्सन के पास चलेंगे भाई। तो ये ले भाई तेरी गाड़ी। रो फिरो, इसे मैं एज ए गिफ्ट तुम्हें ही देता हूं। अरे पागल वागल है क्या भाई, मैं नहीं ले रहा ये गाड़ी। ओ भाई तू रख तेरी। अरे यार ये क्या ही कर दिया दोस्तों, इस रो फिरो ने ना ये कैब ले ली यार, इस छोटा छपरी ने हमें ये गिफ्ट में दे दी, इतनी खटारा सी कैब भाई, इसका मैं क्या ही करूंगा, रख ले तू ही। अरे यार नहीं, ये कैसा मिशन है भाई, ये खटारे सी गाड़ी का क्या ही करेंगे हम यार। अब हमें इस टकले के लिए ना दूसरी गाड़ी लेके आनी होगी। और भाई अच्छा, 2 मिनट के अंदर भाई ये टकला तो बहुत ही खतरनाक निकला भाई। देखो खुद के लिए कैसी गाड़ी मंगवा रहा है, और हमें ये कैब दे दी खटारा सी भाई, हम इसका क्या ही करेंगे। हमें भाई अब इस छोटा छपरी के लिए ना दूसरी गाड़ी लेके आनी होगी, मस्त सी यार। बहुत गंदा बंदा है यार ये, तू देख रहे हो, मतलब कैब थी खटारा सी, वो तो पहले हम खुद से मंगवाई और हमें गिफ्ट कर दी, और खुद के लिए अच्छी सी गाड़ी मंगवा रहा है। मैं सोच रहा था ये मिशन यहीं कंप्लीट करके हम चलेंगे टिप्सन के पास और फिर चल के हम रेस करवाएंगे, लेकिन यार इस टकले ने तो हमें यहीं पे गोल घुमा दिया है। मतलब अभी हमें इसका मिशन करना होगा कंप्लीट, इसे भी ये गाड़ी ला के देनी होगी, क्योंकि पहली गाड़ी तो इसने हमें गिफ्ट कर दी जो हमें चाहिए नहीं थी, लेकिन अब क्या ही करे भाई, करना ही होगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी इसके लिए दूसरी गाड़ी देखने के लिए, और भाई हमें इस बार टाइम भी कम मिला, 2 मिनट मिली है, जिसमें से भाई लगभग ऑलमोस्ट यार 1 मिनट तो ख़राब कर दी मैंने भाई। अब क्या होगा, कहाँ है भाई वो गाड़ी, दिखाई भी नहीं दे रही और ना ही मैप में कहीं बता रहा है यार, मिलेगी भी नहीं मिलेगी भाई। ये मिशन फिर से नहीं करना मुझे भाई, इसी बार में करना है, इसी एक बार में मुझे ये मिशन कंप्लीट करना है भाई, दोबारा नहीं खेलना। ये बहुत गंदा सा मिशन है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई। अरे भाई मैप में दिखा रहा है गाड़ी कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अरे नहीं यार गाड़ी नहीं मिल रही दोस्तों हमें, हम कहाँ से लाएं भाई, अब गाड़ी नहीं दिख रही, टाइम भागा जा रहा है भाई, 40 सेकंड बचे हैं अप्रोक्स। ओ भाई क्या ही होगा, अब कहाँ मिलेगी भाई दोस्तों, कहीं भी यार वो गाड़ी नज़र नहीं आ रही। पता नहीं खुद के लिए इसने कैसी स्पेशल सी गाड़ी मंगवाई है, ऐसी गाड़ी भाई वेस्ट टाउन में बहुत कम मिलती है, और यहाँ पर हमें बिल्कुल, ओ भाई इस बार मैप में आ गई है। अरे यार ये तो उधर ही जा रही है, चलो भाई इसी गाड़ी को लेते हैं, ये काफ़ी, ओ भाई टाइम भी कम है भाई, 24 सेकंड भाई, 23 सेकंड, 22, 21, अरे भाई 20 सेकंड बची है, उतर जा भाई। ओ भाई गाड़ी में बैठूंगा तब तक वो 15 सेकंड ही बचेगी, 15 सेकंड के अंदर मुझे ना ये टकले के पास लेके जानी है, और फिर भाई छोटा छपरी का मिशन कंप्लीट करना भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बस भाई 8 सेकंड पहुँच गए हम, पहुँच गए। ये ले भाई, पकड़ तेरी गाड़ी। वाह ये हुई ना बात, रो फिरो, इस बार तुमने मुझे सच में बहुत ज्यादा खुश कर दिया। देखा दोस्तों, इस कार से इसे खुशी मिली है, उस सड़ियल सी कैब से नहीं मिली थी, इसलिए तो वो हमें दे दी इसने। अगर तुम्हें इन फ्यूचर और आसानी से पैसा कमाना हो तो तुम मेरे पास वापस आओ। अबे तू पागल है, मैंने पैसों के लिए थोड़ी किया है ये सब, ये तो मैंने शौक शौक में कर दिया। तो चलो दोस्तों, अब हम वहाँ से आ चुके हैं और अब जा रहे हैं भाई टिप्सन दादा के पास। उस टकले को लग रहा था कि हमने उसका ये जो मिशन था ना ये पैसों के लिए किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग तो जानते हो यार रोफिरो के पास कितना पैसा पड़ा है। तो चलो अब हम आ चुके हैं टिप्सन दादा के पास, और चलो
चलते हैं टिप्सन दादा के पास और करते हैं कुछ बातें इनसे। हेलो टिप्सन दादा। अरे और फिरो, कहां से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं यार टिप्सन दादा, उस छोटा छपरी के पास गया था, उसके मिशन मैंने आज तक कभी नहीं किए थे तो सोचा चलो आज करके आते हैं। यार दिमाग खराब हो गया उसके मिशन कर करके। वो ना इतना छपरी बंदा है, इतनी खटारा सी कैब भाई, वो पहली कैब थी उसे तो मुझे गिफ्ट कर दी और उसके बाद में अच्छी अच्छी गाड़ियां मंगवा के खुद रख लिया। यार टिप्सन दादा बहुत ही छपरी बंदा है वो। अरे उसे तो वाइस टाउन का बच्चा बच्चा जानता है कि कितना छपरी बंदा है वो। यार उसने आज तक वाइस टाउन में कभी किसी का भला नहीं किया, लोगों की गाड़ियां छिनवाता है और अपने गैराज में उनके पार्ट्स टुकड़े टुकड़े कर करके बेच देता है। बहुत ही ज्यादा छपरी बंदा है वो। तू क्यों उसके पास गया था? अरे यार गलती हो गई टिप्सन दादा, आज के बाद में कभी उसके ये छपरी वाली मिशन करने ही नहीं वाला। हाँ ये हुई ना छोटी बात, वैसे भी तू वाइस टाउन का हीरो है यार, तुझे ये छपरी जैसे मिशन बिल्कुल भी शूट नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही कहा टिप्सन दादा यार आपने। वैसे चलो आज हम रेस करवा लेते हैं, हमारे मिशन वही है यार, रेस वाले वही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज किसकी रेस करवाएगा छोटे? टिप्सन दादा आज हम रेस करवाएंगे रोबो वाइस टाउन के सबसे बड़े रोबोट और सबसे छोटे रोबोट की, मतलब छोटे फाइटर जेट रोबोट की बाइक रोबोट के साथ रेस करवाएगा। अरे वाह टिप्सन दादा नॉट बैड यार, आपका तो मतलब काफी ज्यादा स्मार्ट हो रहे हो आप तो, सबसे छोटे और सबसे बड़े का नाम लेते हैं आप, समझ गए? अरे छोटे इसमें स्मार्ट वाली कौन सी बात है, वाइस टाउन का बच्चा बच्चा जानता है कि वाइस टाउन का सबसे बड़ा रोबोट फाइटर जेट रोबोट है और सबसे छोटा रोबोट बाइक रोबोट रोबोट है। हाँ वैसे आपकी बात तो बिल्कुल सही है, तो चले क्या टिप्सन दादा रेस करवाने के लिए? अरे पागल हो गया है क्या, दिखाई नहीं देता, शाम हो चुकी है, जब तक रेसिंग ट्रैक पे पहुंचेंगे रात हो जाएगी, रात में कौन रेस करवाता है, हम लोग सुबह रेस करवाएंगे। मैं सुपर हीरो को लेकर सुबह रेसिंग ट्रैक पे पहुंच जाऊंगा, तू भी टाइम से पहुंच जाना और फिर हम वहाँ पे ड्रेस करवा लेंगे, ठीक है? हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, तो ठीक है टिप्सन दादा मैं चलता हूँ, जाके सोता हूँ, आप भी सो जाओ, ठीक है? टाटा गुड नाइट बाय। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं और चल के सो जाते हैं यार, सुबह मिलेंगे आप सबसे रेसिंग ट्रिक पे और फिर वहीं पे हम रेस करवाएंगे बड़े और छोटे की, बाय। बूम, तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और सुबह क्या यार दोपहर हो चुकी है और हम आ चुके हैं रेसिंग ट्रैक पे। ओ भाई रुक रुक रुक, थोड़ा ज़्यादा आगे निकल चुके हैं दोस्तों, ये है रेसिंग ट्रैक का एंडिंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों ये जो ट्रैफिक लाइट है ना यही है एंडिंग पॉइंट हमारे रेसिंग ट्रैक का, मतलब यहाँ आगे हमारी रेस एंड हो जाती है। और भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, हमारी फरारी का कलर चेंज हो गया, मतलब ये जो नई अपडेट आई है 5.7.1 इसके अंदर भाई कलर देख लियो फरारी का भाई, पहले इसका कलर बिल्कुल पिंक कलर जैसा आता था लेकिन अभी इसे कितना डार्क कर दिया गया यार, मस्त लग रहा है सच में, ये तो पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी गजब लग रही है। ये देखो जो वो रेड कार है उससे थोड़े सा लाइट कलर इसका, बाकी यार ये भी बिल्कुल टमाटर की तरह लाल कर दी गई है, अच्छी लग रही है यार ये फरारी। पहले मतलब पिंक कलर की लगती थी वो भी अच्छी थी लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा ही मतलब डिफरेंट लग रही है ना, इसी वजह से शायद अच्छी लग रही होगी, लेकिन यार सच में यार मुझे तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है यार, सच में कलर चेंज हुआ है या फिर यार ये कोई मेरा भ्रम है, मैं कोई सपना तो नहीं दिख रहा यार? वैसे मुझे लगता है यार इसका सच में कलर चेंज हो गया, पहले ऐसा नहीं आता था यार, पहले पिंक कलर में आती थी ये, लाइट पिंक में आती थी, अभी ये यार लाइट तो नहीं है मतलब थोड़ा डार्कर कर दिया गया है इस कलर को। आप लोगों का क्या मानना है यार कमेंट करके मुझे जरूर बताना, सच में यार फरारी का कलर चेंज हो गया ना, और ये वाला कलर आपको अच्छा लगा या नहीं कमेंट करके ये भी बताना। तो दोस्तों अभी हम ये फरारी लेके ही चलने वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे रेसिंग ट्रैक। ओ भाई पुलिस वाले ने पकड़ के उतार लिया यार हमें, अरे भाई तुझे क्या चाहिए, रुक जा ये ले भाई, एक एक में ना दोनों को काम तमाम कर दिया है, अब मत लियो मेरे से पंगा। और ये देखो अभी तो सामने से और गाड़ी ला के लगा रहे मेरे सामने, तो चलो छोड़ो यार ये ले, इसे भी ले लिया लपेटे में। तो दोस्तों यार फरारी सच में काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, पहले की लाइट कलर में जो पिंक कलर आता था वो भी ठीक था लेकिन यार ये वाला कुछ अलग ही लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है भाई। तो अभी हम आ चुके हैं रेसिंग ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, और बस भाई यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं पर रुक जा। तो मुझे घुमानी नहीं पड़ी, पुलिस वाले ने टक्कर मार के घुमा दी भाई हमारी गाड़ी अपने आप ही। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रेसिंग ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे भी ये जो ट्रैफिक लाइट है ये स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है और जो एंडिंग पॉइंट आप लोगों को दिखा था वहाँ भी जाके रेस खत्म होने वाली है। वैसे यार आप सभी लोग हमारा रेसिंग ट्रैक काफ़ी अच्छे तरीके से जान गए होंगे, हमारी लगभग क्या सारी की सारी रेस इसी रेसिंग ट्रैक पर कंप्लीट हुई आज तक। तो दोस्तों ये रेसिंग ट्रैक काफ़ी अच्छा है यार, इस पर मतलब ये इतना इनफ बड़ा है कि मतलब कोई भी व्हीकल अपनी फुल स्पीड पकड़ ही लेता है। और ये पुलिस वाला, ओ भाई ये पुलिस वाला भी नया आया है शायद, क्योंकि ऐसा पुलिस वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों ये जो टकला सा है ना भाई, ये नया पुलिस वाला आया है, शॉर्ट गन ले रखा है जिसने हाथ में, और बाकी ये जो हमारे साथ फाइट कर रहे हैं ना ये तो पुराने पुराने, रुक जाओ ये भाई इसी को किक मार रहा था ये भाई, तू भी जा। और यहाँ पे ये देखो ये जो पुलिस वाला है ना भाई, ये बिल्कुल नया लग रहा है मुझे, मतलब ये भी नई अपडेट के अंदर ही आया है। और ये हमारे बॉडीगार्ड को क्या हो गया भाई, मुझे मत मार, इन पुलिस वालों को मार, पागल हो रहा है क्या?
हाँ अभी अभी सही गया, उसको मार वो जो हवा के अंदर है। ये देखो दोस्तों हमारा बॉडीगार्ड है यार, मतलब सटकेला है भाई, इसे कहना पड़ता है किसे मारना है किसे छोड़ना है, ये हमें ही मारने लग जाता है कई बार, क्योंकि ये देखता है ना सभी लोग इसको मार रहे हैं तो अपने को भी इसी को मारना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसे कह देते हैं ओ भाई ये पुलिस वाला तो खुद ही गया खाई के अंदर, तो दोस्तों अभी देखो हमारा बॉडीगार्ड यार कितना काम कर रहा है, उस हवा में जो पुलिस वाला है ना रोबोट उसको मार रहा है, बहुत अच्छा लगा रहा है भाई, इसी को मार के टपकाना इधर ही। तो चलो दोस्तों रेसिंग ट्रिक दिखाना था आप लोगों को, मैंने रेसिंग ट्रिक दिखा दिया है, जल्दी से हम यहाँ पे रेस करवा दें ठीक है, वरना ये पुलिस वाले तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। चलो जल्दी से रेस को स्टार्ट कराते हैं, वहाँ चलते हैं जहाँ पे टिप्सन दादा और हमारे सुपर हीरो दोनों आ जाते हैं। तो चलिए रेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप सबका दोस्त टिप्सन आ गया हूँ आज की इस रेस को होस्ट करने के लिए। आज की हमारी इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तरफ हमारे वाइस्टोन के सबसे बड़े रोबोट फाइटर जेट रोबोट, तो दूसरी तरफ है वाइस्टोन के सबसे छोटे रोबोट मतलब कि बाइक रोबोट। तो दोस्तों सबसे पहले जो रेस का राउंड होने वाला है वो है दोनों रोबोट के बीच, इसके बाद में होगा जेट और बाइक के बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये लो दोस्तों ये रेस स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार्टिंग में भाई फाइटर जेट रोबोट काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो बाइक रोबोट काफी ज्यादा छोटा रह गया, इसलिए बेचारा एक कदम के अंदर थोड़ी सी दूरी तय कर पा रहा है, जितनी ये 10 कदम में करता है उतनी तो भाई ये फाइटर जेट रोबोट एक कदम में कर लेता है। और ये लो भाई फाइटर जेट रोबोट जीत भी चुका है, एंडिंग पॉइंट को क्रॉस कर चुका है। जी हाँ दोस्तों फाइटर जेट रोबोट विनर बन चुका है, और जो हमारा बाइक रोबोट है वो बेचारा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है भाई, एंडिंग पॉइंट पर पहुँचा ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दूर रह चुका है एंडिंग पॉइंट से। दोस्तों ये तो यार इसकी बहुत खतरनाक वाली हार हो चुकी है, मतलब जब हम इन दोनों रोबोट्स की रेस करवाते हैं बड़े और छोटे की, तो भाई रेस में काफ़ी ज़्यादा अंतर आता है। अब जाके बाइक रोबोट पहुँचा है एंडिंग पॉइंट पर, मतलब यार बाइक रोबोट काफ़ी बुरी तरीके से हार चुका है इस रेस के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं रेस के सेकंड राउंड में, और देखते हैं क्या ये बाइक रोबोट बाइक बनने के बाद इस फाइटर जेट रोबोट को जेट बनने के बाद रेस में हरा पाएगा। मतलब पहले राउंड में तो बाइक रोबोट हार चुका है, देखते हैं सेकंड राउंड में क्या ही होता है। सो दोस्तों अब रेस होने वाली है वाइस टाउन के दो सबसे खतरनाक व्हीकल्स की, जो कि अभी तक कभी किसी रेस में हारे नहीं है। तो चलो दोस्तों देखते हैं जब इन दोनों व्हीकल्स की हम रेस करवाते हैं तो इनमें से कौन जीतता है और कौन हारता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये लो दोस्तों ये रेस भी स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार्टिंग में भाई बाइक आगे निकल चुकी है, लेकिन ये क्या फाइटर जेट आगे निकल चुका है। ओ भाई फाइटर जेट काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, और ये लो दोस्तों फाइटर जेट जीत भी चुका है। जी हाँ दोस्तों फाइटर जेट एंडिंग पॉइंट को क्रॉस करके विनर बन चुका है, और भाई बाइक रोबोट जो है वो अब जाके पहुंचा है एंडिंग पॉइंट पे। ओ भाई ये तो बाइक रोबोट की भयंकर तरीके से हार हो गई, फर्स्ट राउंड में भी बाइक रोबोट हार गया था, और सेकंड राउंड में बाइक बनने के बाद भी ये फाइटर जेट से हार गया है भयंकर तरीके से। तो मतलब कि यार वाइस टाउन का जो सबसे बड़ा चैंपियन है ना वो भाई ये फाइटर जेट है, बाइक रोबोट नहीं है, फाइटर जेट रोबोट वाइस्टोन का सबसे बड़ा चैंपियन है। सो दोस्तों ये थी रोपिरो वाइस्टोन गेम की अब तक की सबसे खतरनाक वाली रेस, फाइटर जेट रोबोट वर्सेस बाइक रोबोट रेस। और इस रेस के अंदर भाई फाइटर जेट ने ना बाइक रोबोट को दोनों के दोनों राउंड्स में हरा दिया है। तो दोस्तों अब फाइटर जेट रोबोट बन चुका है वाइस्टोन का सबसे बड़ा चैंपियन। वैसे इन दोनों रोबोट्स में से आपका सबसे ज्यादा फेवरेट रोबोट कौन सा है कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, कैसी लगी यार ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना शेयर करना चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।